हरदा जिले के खिरकिया में सोमवार को सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सारी व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद कर रखी थी। मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लग गई थी। सभी मतदाताओं ने कतार में खड़े रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी आने का इंतजार किया और इसके बाद मतदान केंद्र में उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। हरदा क्षेत्र में लगभग 60% के ऊपर मतदान हुआ है। एजेंट है जो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, उनके बारे में सख्त प्रतिबंध हमने लगा रखा है। वो जो है 200 मीटर के दायरे में कभी नहीं आएंगे। उनको यदि रहना है तो 200 मीटर की परिधि से बाहर रहे। और साथ दिव्यांगों के लिए भी व्हील चेयर कई जगह मतलब उठा के दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी संबंधित बीए लोगों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इन लोगों को भी अभी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल नज़र रखें, जहाँ पर भी ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आते हैं तत्काल उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराएं, उनका वोट कराएं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हाँ, बाकी मतदान की ऐसी कहीं कोई शिकायत कहीं पर नज़र नहीं आई है। मैं अभी लगातार अभी सुबह से करीब 15 से 20 मतदान केंद्र में देख चुका हूँ। बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अनुविभागीय अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद यादव विकासखंड के सभी ग्रामों में पहुंचकर निरीक्षण करते रहे, कानून व्यवस्था को बखूबी निभाया। मतदाताओं में उत्साह देखा गया। जागरूकता के चलते सुबह से ही वोट डालने पहुंचे, यहां तक कि जिनकी शादी थी, दुल्हन हो या दूल्हा, वो भी पहले मतदान करने पहुंचे। बुजुर्गों व दिव्यांगों ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।